दोस्तों, ओवैसी पर गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ का करीबी निकला है। जी हां, अभी की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जिस स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं उस स्क्रीन पर योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य के साथ वही आरोपी है जो ओवैसी पर गोली चला रहा था, जो ओवैसी के कार पर गोली चलाता हुआ पकड़ा गया। ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बोला जाता है। जी हाँ, अक्सर ये कहा जाता है कि ओवैसी जो है, असदुद्दीन ओवैसी, वो बीजेपी के बी टीम है। उसी ओवैसी पर गोली चलाने वाला योगी के साथ तस्वीर, जी हाँ, खिंचवाता हुआ सामने आया है। ये एक नया फोटो सामने आया है जिससे एक बार फिर से सवाल खड़े उठने लगे हैं। इस फोटो को देखिए, कैसे योगी बाबा उस गुंडे के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। अब योगी जी ये बताएं कि जिस प्रदेश से गुंडों का खात्मा कर दिया था, उसी प्रदेश के सीएम के साथ ऐसा गुंडा जो किसी नेता के काफिले पर बंदूक से गोली चलाता हुआ पकड़ा जाता है, जो किसी नेता के काफिले पर हमला करता हुआ पकड़ा जाता है, वो भी एक दो नहीं बल्कि चार चार गोलियों से उस काफिले पर हमला करता है। और तो और, लिंक कहां से जुड़ा होता है? सारे के सारे जो ये लोग, दो लोग पकड़े गए हैं, वो सारे भाजपाई हैं, भाजपा को सपोर्ट करते हैं। अब ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार मंत्री, खुद योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, मोदी जी खुद बोले कि ये कौन लोग हैं? जब अपराधियों का खात्मा उत्तर प्रदेश से हो गया है तो इनके रिश्तेदार तो नहीं है जो इनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं? फोटो में आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी बड़े मुस्कान के साथ, बड़े मुस्कुराहट के साथ उस अपराधी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, और साथ में डिप्टी सीएम भी है। अब जो सीएम योगी आदित्यनाथ मुसलमानों की गर्मी ठंडा करने की बात मंच से करेंगे, तो ऐसे भक्त जिनकी मानसिकता पहले से ही सड़ी है, गली है, वो लोग गोली लेकर सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो क्या फूल माला लेकर उतरेंगे? आज उसी का नतीजा है कि देखिए गर्मी ठंडा करने वाले सीएम के बाद कैसे इस खबर को, जी हाँ, हवा मिली, कैसे इस खबर को योगी आदित्यनाथ जो है वो कहते हैं कि गर्मी ठंडा कर देंगे। यूपी में कह रहे थे ना, वहीं से गोली लेकर ओवैसी पर सड़कों पर गोली चलाने के लिए ये कट्टर हिंदू सचिन पहुंच जाता है और उसके साथ एक और लड़का। योगी ने कहा गर्मी उतार देंगे तो ये रिवॉल्वर लेकर उतर आया। दरअसल भाजपा यही चाहती है, इनकी जो गंदी मानसिकता वाली राजनीति है वो ऐसी ही होती है। पूरी कोशिश रही होगी कि इसे सपा बनाम मजलिस का झगड़ा करार दिया जाए, मगर ये हो नहीं पाया। सब सच, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ गया, और निकला कौन? भाजपाई, और वो भी योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो खिंचवाता हुआ। सचिन और शुभम से ज्यादा जिम्मेदार मोदी और योगी हैं, जो हमारे युवाओं को भड़का कर या फिर चुप रहकर अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा पूरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर भड़काया जाता है, जिसका ये ट्रेलर आप देखिए कि कैसे ये लोग गोली लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनावी समर के बीच गुरुवार को शाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलती है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी कि कुछ देर पहले छिजरासली टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, चार राउंड फायर हुए, 3 से 4 लोग थे, सबके सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए, जिनमें 2 लोग अभी पकड़ा गया है दोस्तों। और कहते हैं ट्वीट करते हुए कि मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया, हम सब महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे उन्होंने बता दिया कि हम पर किस तरह से हमला हुआ, इस तरह का ट्वीट करते हुए उन्होंने जानकारी दिया, जिसके बाद पूरी तरह से ये खबर जो है आपकी तरह फैलने लगी। आपको बता दें कि ये घटना उस वक्त हुई जब वो मेरठ से अपने कार्यक्रम को खत्म करते हुए दिल्ली रवाना हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी उत्तर प्रदेश से गठबंधन कुछ छोटे दल के नेताओं के साथ किया है और वहां पर वो प्रचार प्रसार करने के लिए अक्सर आते जाते रहते हैं। और पहला जो चुनावी चरण है, जो पहली 10 तारीख को चुनाव होने वाला है, वो उत्तर पश्चिम में होने वाला है, इसी को लेकर वो मेरठ पहुंचे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया, जबकि दूसरे आरोपी ने गाजियाबाद पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया है। एक का नाम सचिन है तो दूसरे का नाम शुभम है, और दोनों कट्टर हिंदुत्ववादी, दोनों मोदी योगी को समर्थन करने वाले, सपोर्ट करने वाले। शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल एसपी हापुड़ ने बताया है कि नोएडा
कि रहने वाले सचिन ने साथी के साथ मिलकर फायरिंग की थी और भी बहुत सारे लोग उसके साथ थे, लेकिन उनको अभी पकड़ा नहीं गया है। दो मुख्य आरोपी जो है सचिन और शुभम, ये दोनों पकड़े गए और दोनों का जो कनेक्शन है वो भाजपा ही कनेक्शन है। कोई, जी हाँ, कोई योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, उसके साथ फोटो सामने आई है। तो दूसरा, जी हाँ, अभी आपको बताते हैं दूसरे का लिंक कहाँ से है। सचिन को हिरासत में ले लिया गया है, उसके पास से 9 mm की पिस्टल बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान सचिन ने बताया कि वो ओवैसी के बयानों से नाराज था, जिसके कारण उसने ये कदम उठा लिया। अब सोशल मीडिया पर सचिन की प्रोफाइल खंगाली जा रही थी, जिससे कई जानकारी हाथ लगी है, जिनमें से योगी आदित्यनाथ का ये फोटो सामने आया है, उसका लिंक सामने आया है कि कैसे इस अपराधी के साथ इनका लिंक था, कैसे योगी आदित्यनाथ के साथ ये फोटो खिंचवाता हुआ नजर आ रहा है। फेसबुक पर सचिन ने अपना नाम लिखा है, देशभक्त सचिन हिंदू। सचिन के फेसबुक प्रोफाइल पर साझा की गई जानकारी से पता चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है। सचिन की सदस्यता संख्या जो है दोस्तों वो 10233417 है। इसके अलावा सचिन भाजपा के नेताओं के करीबी भी मालूम पड़ता है, क्योंकि जो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है उससे तो करीबी ही समझ में आएगा। हम और आपकी तस्वीर तो योगी और मोदी जी के साथ खिंचवाई हुई नजर नहीं आती है। जो करीबी होता है, जिनका अच्छे टर्म्स होते हैं पॉलिटिकल में, जो पकड़ होती है, उन्हीं लोगों के ऐसे फोटोज वायरल होते हैं। उन्हीं लोग अपनी फोटो लगाते हैं कि देखिए आज मैं मोदी जी से मिला, देखिए आज मैं योगी जी से मिला, देखिए मैं फलाने जी से मिला, ढमकाने जी से मिला। तो ये जो तस्वीरें हैं इसी सोशल मीडिया से सामने आ गई। भाजपा नेता, जो एक फोटो अभी और वायरल हुई है, उसमें भाजपा नेता महेश शर्मा के साथ इसकी कई तस्वीरें मौजूद हैं। इन्होंने महेश शर्मा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का भी मुहिम चला रखा है। सचिन के अपने ब्राह्मण होने पर बहुत ज्यादा गर्व है, यानी जातीय श्रेष्ठता की बीमारी के शिकार है, जातिवादी मानसिकता के धनी है। पूरे प्रोफाइल में सांप्रदायिकता का जहर फैलता हुआ नजर आता है। इनके फेसबुक प्रोफाइल को अगर उठाकर देखेंगे, खंगालेंगे, तो पूरा जो हिंदू मुसलमान वाला जो जहर है इसके पूरे प्रोफाइल में, इसके पूरे दिमाग में दिखाई देता है। ये देश के उन युवाओं में से मालूम पड़ते हैं जो भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को अल्पसंख्यक मुस्लिमों से बचाने के मुहिम में जुटे हुए हैं। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के हमलावरों को वही दोस्तों अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और तो और, हापुड़ के SP ने ये जानकारी दी है कि हमने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया है। इस मामले में यामीन खान की तहरीर पर थाना पिलखुआ में एक FIR दर्ज हुई थी। पुलिस ने केस दर्ज किया था और जिसके बाद इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आज भेजा गया। और सचिन शर्मा निवासी बादलपुर जिला और गौतम बुद्ध नगर और शुभम का जो घर है वो है वो सापला बेगमपुर थाना नुक्कड़ जिला सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। और इन दोनों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में पुलिस की तरफ से बोला गया है कि कस्टडी लेकर इनको भेजा गया है। ओवैसी पर हमले के बाद शुक्रवार को उन्होंने CRPF की ओर से जेट सिक्योरिटी भी दी गई है। असदुद्दीन ओवैसी को जब ये हमला हुआ, जब ये घटनाएं घटित हुई, उसके बाद कई तरीके के सामने तस्वीर आई, कई तरीके की खबरें सामने आई। कुछ ने कहा कि ये फर्जी है, कुछ ने कहा, हाँ आपको बता दूं कि सो कॉल्ड पत्रकार सुरेश चौहानके ने भी इस बात को लेकर कहा कि पूरी की पूरी जो गोली चली है वो गेट दरवाजे के नीचे चली है, शीशे पे क्यों नहीं चली है, ये एक साजिश है। ये भी बताया है लोगों ने, फेक भी बताया है, और कुछ ने बहुत जिसको जो कहानी गढ़नी थी वो इस तस्वीर के माध्यम से, इस फोटो के जो ओवैसी ने ट्वीट किया उसके माध्यम से गढ़ी गई। लेकिन जैसे जैसे ये खबर सामने आई, जैसे जैसे ये खबर तेजी से वायरल होने लगी, उसमें सारा जो दूध का दूध है वो पानी का पानी, वो बार बार मैं बोल रही हूँ, सामने आ गया है कि हर चीज में, आपको याद होगा शाहीन बाग में भी ऐसे ही घटिया बयानबाजी के चलते वो राम जो भक्त, जो खुद को राम का भक्त बता रहा था गोपाल, उसने भी ऐसे ही शाहीन बाग में आकर गोलियां चलाई थी। लेकिन फिर पुलिस ने और गोदी मीडिया ने उसको बच्चा करार दिया और बच्चा करार करते हुए उसको छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद किस तरह से वो जंतर मंतर पर नफरती बयान और ये सारी चीज़ों को लेकर उसकी कई वीडियो सामने आई। अभी कुछ हाल ही के दिनों में एक तस्वीर भी सामने आई थी जब वो दिल्ली के SP किसी जगह के थे, उसके साथ वो फोटो वोटो खिंचवाते हुए उनको सम्मानित करते हुए नजर आए थे। कोई पारिवारिक फंक्शन था, वहां पर ये लोग दिख
लिख रहे थे, तो ये जो इन लोगों की जो मानसिकता है ये कहाँ से मिलती है, इनको कहाँ से ट्रेनिंग दिया जाता है, ये आप देखिए। योगी आदित्यनाथ ने अभी 2-3 दिन पहले गर्मी ठंडा करने वाली बात कही थी और आज वही गर्मी ठंडा करने के लिए कल ओवैसी पर गोली चल जाता है। और इसका जो लिंक, जो कनेक्शन है, ये सारे भाजपा के एक से एक कद्दावर नेताओं के साथ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ, उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, महेश शर्मा, इन सभी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी है। और तो और जिस तरह से इस फोटो को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर गुंडे अपराधी मवाली जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही क्यों निकलते हैं, जो पार्टी कहती है कि हमने गुंडों का सफाया कर दिया है, जेल में डाल दिया है, ये सब कौन है, ये सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब कोई साधु संत है, सन्यासी है जो गोली लेकर रोड पर निकल लेते हैं किसी को भी दाग देने के लिए। वो तो चलो शुक्र है भगवान का, खुदा का, कि वो बच गए। अगर गोली उनको जी हाँ लग जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ये जो खेल गंदी राजनीति का है दोस्तों, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें सामने आ रही है जिससे नौजवानों की जो मानसिकता है उसमें धीरे धीरे सड़न पैदा होती जा रही है। और सड़न का नतीजा है कि ऐसी ही बेहया वाहियात तस्वीर सामने आती है। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।